बीवीएम कॉलेज बलियापुर में शुभ संदेश फाउंडेशन का कार्यक्रम का चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने फीका काट कर किया। चित्रकला प्रवासी मजदूरों द्वारा क्वारंटाइन अवधि के समय किया गया था। चित्रकला के माध्यम से कोरोना से बचाव एवं प्रकृति की निकटता दिखाई गई है। मौके पर उपस्थित उपायुक्त अमित कुमार ने कोरोना काल में शुभ संदेश के कार्यकाल को सराहा और कहा कि फाउंडेशन दिन रात स्थानीय प्रशासन का कोरोना से लड़ने में साथ दिया और अनेक सराहनीय कार्य किया, जिसके लिए जिला प्रशासन शुभ संदेश फाउंडेशन के सदस्यों को बधाई देती है। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रत्न कुमार सिंह, CEO असलम, शुभ संदेश फाउंडेशन के निदेशक जमादार मोहली, फाउंडेशन के CEO विशव डालियन इत्यादि मौजूद थे। ऐसी स्थिति में समुदायों को तैयार करना, जागरूक करना बहुत बड़ा कार्य है। अकेले किसी के बस की बात नहीं, सभी लोगों को कार्य करने की जरूरत है। मीडिया के साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एवं उसी विक्रम जो है विभिन्न तरह के NGO हैं, भूमिका निभाई शुभ संदेश फाउंडेशन का। जितने भी सामाजिक संस्थाएं रही हैं, उतने प्रवासी मजदूरों के बीच उन्होंने अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से अभी अगर हम देखें तो 20,000 लोगों को दैनिक स्तर पर भोजन उपलब्ध कराने का कार्य जो है ये 1200 संस्थाएँ थी, ये मिलकर के और ये एक दो दिन में दो महीने से अधिक समय हो गया, उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने की बात, लोगों के जन जागरूकता की बात, हमने देखा हुआ हमारे राहत शिविर चल रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर का, बहुत तरह की सहायता दी इसलिए सबसे बड़ी बात है। धनबाद के लिए राहत की बात है, पांच केस हैं और कई साथ